तो फाइनली छठ पूजा दिवाली आने वाले हैं और इसका ओपनिंग टिकट बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। लेकिन IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC के वेबसाइट से कंफर्म टिकट बुक करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे 10 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसे बुकिंग के दौरान आप लोगों को अप्लाई करना है, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपको चांसेस बढ़ जाएगा कंफर्म टिकट बुक करने में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जब भी आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से ट्रेन में टिकट बुक करेंगे ओपनिंग टिकट, तो आप लोगों नंबर 1 IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को अपडेट कर लेना है। काफ़ी लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप अपडेट नहीं किए हैं, जिसकी वजह से जब वो टिकट बुक करते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप कई बार लॉग आउट हो जाता है या फिर अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग कन्फर्म तत्काल टिकट या फिर कन्फर्म ओपनिंग टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, जब आप ओपनिंग टिकट हम टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को मास्टर लिस्ट बना लेना, यानी कि पैसेंजर डिटेल पहले से ही सेव करके रखना है, जिससे कि टिकट बुकिंग के दौरान आप लोगों को टाइम बच सके और कंफर्म टिकट बुक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। नंबर 3, आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC के वेबसाइट से टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों को 1 मिनट पहले लॉगिन करना है। यदि आप ओपनिंग टिकट बुक करते हैं तो इसका बुकिंग मॉर्निंग में 8 बजे होता है, आपको 7:59 में लॉगिन करना है। यदि तत्काल में AC टाइम पर टिकट बुक करते हैं तो आप लोगों को 9:59 में लॉगिन करना है। यदि स्लीपर टाइम टिकट बुक करते हैं तत्काल में तो आपको 10:59 में लॉगिन करना है। कभी 2-3 मिनट पहले लॉगिन करते हैं तो आप लोगों को बुकिंग के दौरान IRCTC पेज लॉग आउट या फिर पेमेंट एरर टाइम आउट का एरर आएगा, जिसकी वजह से आप लोग तत्काल टिकट बुक करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। यानी कि बुकिंग के दौरान आप लोगों को 1 मिनट पहले लॉगिन करना है। नंबर 4, जब आप ओपनिंग टिकट बुक करेंगे या फिर तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों को इंटरनेट स्पीड काफ़ी हद तक सही होना चाहिए। यानी कि इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं होगी तो आप लोगों को तत्काल टिकट बुकिंग करने में या फिर ओपनिंग टिकट बुक करने में टाइम लग सकता है, जिससे कि आप लोगों को पेमेंट पेज पर जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से आप लोग तत्काल टिकट या फिर ओपनिंग टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को वाईफाई यूज करना है या फिर ब्रॉडबैंड का वाईफाई यूज करना है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाएंगे कन्फर्म टिकट बुक करने में। जब आप टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों को पेमेंट मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे पेमेंट मेथड गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कन्फर्म टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप लोगों को फ़ोनपे यूज करना है या फिर 2nd नंबर में पेटीएम वॉलेट यूज करना है, क्योंकि इस टाइम जो है काफ़ी फास्ट पेमेंट हो रहा है फ़ोनपे या फिर पेटीएम से। नंबर 6, जब आप ओपनिंग टिकट बुक करेंगे एक बात को ध्यान रखना है, क्योंकि इन दिनों भीड़ हो चुका है, जैसे दिल्ली बिहार या फिर मुंबई बिहार में इन रूटों में टिकट बुक करेंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से, तो आप लोग यहाँ पे कंफर्म बट नोट अलाउड पे क्लिक नहीं करना है। यदि इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पता है वेटिंग लिस्ट में अगर टिकट आ जाता है आप लोग यहाँ पे बुक नहीं कर पाएंगे, यानी कि वेटिंग लिस्ट होगा तो पेमेंट हमारा कट जाएगा लेकिन टिकट बुक होगा नहीं। आप लोग यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, जिससे कि होगा क्या, यदि आप टिकट बुक कर लेते हैं बुक करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग RAC में भी बुक होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कंफर्म टिकट जितने भी होंगे या फिर काउंटर से खत्म हो जाएंगे या फिर जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर से 30-40 सेकंड में खत्म हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे वेटिंग स्टॉप होता है। इसके लिए आपको होगा क्या, वहाँ पे वेटिंग स्टॉप होता है तो यहाँ पे आप लोग REC बुक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है बुकिंग के टाइम। आप लोगों को जब टिकट बुक करेंगे आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से बुक कीजिए या फिर IRCTC के वेबसाइट यूज कीजिए। आप लोगों को यहाँ पे IRCTC फ्रेश अकाउंट यूज करना है, यानी कि न्यू अकाउंट यूज करना है, या फिर यदि ओल्ड अकाउंट यूज करते हैं आप लोगों को यहाँ पे IRCTC का पासवर्ड जो है, यानी कि अकाउंट का पासवर्ड जो है, उसे चेंज करके लॉगिन करना है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे टिकट बुक करने में। यानी कि पेज जो लॉग आउट की प्रॉब्लम है ये आपको नहीं होगा, आप पेमेंट पे जो एरर आता है वो एरर आपको काफ़ी कम देखने का चांसेस रहेगा। IRCTC ऐप से टिकट बुक करते हैं तो टिकट बुक करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मास्टर लिस्ट बनाना है। 2nd नंबर, आप लोग को IRCTC अकाउंट न्यू यूज करना है या फिर ओल्ड अकाउंट यूज करते हैं तो पासवर्ड आपको चेंज करके यूज करना है IRCTC का। जब आप टिकट बुक करेंगे तो 4-5 मिनट पहले रेल इन्फो पे क्लिक करना है। रेल इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाने के बाद यानी क्लियर कैच कर लेना है। क्लियर कैच करने के बाद आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन करना है। नेक्स्ट टिप्स, यदि आप IRCTC के वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो आप लोगों को बुकिंग करने से पहले आप लोग यहाँ पे हिस्ट्री को डिलीट कर लेना है, यानी कि हिस्ट्री डिलीट करने के बाद आप लोगों को टिकट बुकिंग करने का ट्राई करना है, जिससे कि आपको पेज लॉग आउट पेमेंट एरर अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर जो आता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, जिससे कि आप लोग इजीली तरीके से कन्फर्म टिकट बुक कर सके। और लास्ट टिप्स है, जब आप किसी भी रूट पर टिकट बुक करते हैं, जैसे बिहार से दिल्ली या फिर दिल्ली से मुंबई या फिर
दिल्ली से बिहार या फिर मुंबई से बिहार, इस समय जो है LTT रूट और दरभंगा रूट या फिर दिल्ली दरभंगा दिल्ली मुजफ्फरपुर रूट में काफ़ी ज़्यादा क्राउड होगा। तो इन दिनों ओपनिंग टिकट यानी छठ पूजा दिवाली का भी टिकट कन्फर्म बुक करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आप लोग यहाँ पर जिस ट्रेन में यानी कि स्लीपर क्लास में बुक कर रहे हैं तो कोटा ज़्यादा होगा, उसमें ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि जिस ट्रेन में कोटा कम है उसमें आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा अच्छे ट्रेन होंगे तो 30 से 40 सेकेंड के अंदर अंदर में ख़त्म हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जिस ट्रेन में ज़्यादा कोटा होगा उसमें आपको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो टाइम ज़्यादा ले रहा हो छोड़ने में, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप पहुँच तो जाएंगे टाइम से, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लेट ही सही, लेकिन कम जिसमें कोटा होगा उसमें ट्राई करेंगे तो ख़त्म होने का चांसेस ज़्यादा होता है, जिससे कि ज़्यादा चांसेस आप लोगों को रहेगा कंफर्म टिकट बुक होने में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।